हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक और बैंगन की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी। बहुत स्वाद लगती है सब्जी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है, बहुत मस्त लगेगी ये। बहुत लोगों को पालक की सब्जी पसंद नहीं होती, तो आप इस तरीके से बनाकर देखो। नहीं पसंद करने वाले भी मांग मांग के खाएंगे, चार रोटियां ज़्यादा खाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। देख सकते हो कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है ये। सर्दियों में पालक मार्केट में चारों तरफ खूब बिक रहे हैं। गरम गरम ये सब्जी बनाइए और गरम गरम चपाती के फुलके के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा स्वाद लगने वाली है सब्जी। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बैंगन, आलू और पालक। पालक को छांट के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, आलू को भी छील के काट लेंगे छोटे टुकड़ों में, बैंगन को भी छोटे टुकड़ों में काट लेना है। जब भी आप बैंगन खरीदने जाएं तो इसको उठाकर सही तरीके से देख लें। बैंगन अगर हल्की होती है तो अंदर से इसके बीज नहीं होते, जो बैंगन भारी होता है उसके अंदर बहुत सारा बीज भरा हुआ होता है। तो बैंगन खरीदते समय ये देख लें कोई उसमें होल नहीं हो, और वो वजन में थोड़ी हल्की हो तो बैंगन आपकी बिल्कुल सही रहेगी। तो चलिए हम इसे काट लेते हैं। पालक बैंगन और आलू को हमने छोटे टुकड़ों में काट के अच्छी तरीके से धो लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है दो प्याज, दो टमाटर, हरी मिर्च। प्याज को भी छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, टमाटर को भी काट लेंगे। इसके अलावा मैंने लिया है थोड़े अदरक और लहसुन के टुकड़े, इसे मैं कूट लूँगी। तो चलिए इसे कर लेते हैं। प्याज को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, टमाटर को भी काट लिया है, अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया है। चलिए गैस को ऑन करते हैं। गैस हमने ऑन कर लिया है, कढ़ाई चढ़ा ली है, कढ़ाई गर्म होने देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म है, डालेंगे इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल। बैंगन की सब्जी, पालक की सब्जी, सरसों के तेल में इसका टेस्ट बढ़िया आता है, तो सरसों के तेल में ही बनाने की कोशिश करें। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले ऑयल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि अभी हम इसमें आलू और बैंगन को फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे आलू। आलू बैंगन को एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि बैंगन पहले जल्दी भून जाता है। तो आप दोनों को एक साथ डाल दोगे तो बैंगन आपकी जल्दी भून जाएगा और वो आपकी कढ़ाई में चिपकने लगेगा, तो पहले और आलू भून नहीं पाएगा। तो पहले आलू को हल्का हम धुल लेंगे, उसके बाद वापस इसमें बैंगन भी डाल देंगे। जब आलू हमारा थोड़ा सा भून जाएगा फिर हम इसमें बैंगन को भी डाल देंगे। हल्का सा बैंगन आलू को हम भून लेते हैं। आलू हमारा भूनने लगा है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा भून चुका है। डाल देंगे इसमें अपने बैंगन। इसे हल्का भून लेते हैं। ये सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, आप बना के जरूर ट्राई करना और कमेंट में मुझे बताना कैसी लगी। थोड़ी देर बैंगन को ही भूनने देते हैं। आलू बैंगन हमारे भून चुके हैं, देख सकते हैं। इसे हम निकाल लेते हैं। बैंगन और आलू हमने निकाल लिए हैं। डालेंगे इसी कढ़ाई में थोड़ा सा और सरसों का ऑयल। ऑयल गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, डालेंगे इसमें लाल मिर्च, सौंफ, थोड़ा सा जीरा। चटकने देते हैं। लाल मिर्च में सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। डालेंगे इसमें कटे हुए अपने प्याज। प्याज को सॉटी करना है। दोस्तों वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज मैं आपके लिए और भी लेके आ सकूं। प्याज को थोड़ा सा हल्का ब्राउन करते हैं। प्याज हमारा कुछ ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, इस स्टेज पर डालेंगे हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने बना के कूट के तैयार किया है।
कुटे हुए का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी इससे। तो कोशिश करना कि इसको कूट के ही डालें। थोड़ा सा और भूनते हैं इसे, अदरक लहसुन भी हमारा अच्छी तरीके से भून जाएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हल्का सा और भूनते हैं इसको। अदरक लहसुन भून चुका है हमारा, डाल देते हैं इसमें अपने कटे हुए टमाटर। टमाटर के साथ इसमें डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। जाएंगे इसमें हमारे थोड़े से मसाले, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसको। इसके साथ इसमें डाल देंगे अपने पालक। पालक थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। मसालों के साथ जब पालक भुनेगा तो पालक का एक अपना कड़वा सा टेस्ट होता है, तो जब आप इस तरीके से भून लोगे उसकी कड़वाहट बिल्कुल खत्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है ये। आप बना के ट्राई करना, जब टमाटर मसालों के साथ इसको भूनोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। पालक थोड़ा कम हो गया है हमारा, थोड़ा और पालक हम इसमें डालते हैं। इसी तरीके से कम होता जाएगा, जितने पालक हैं मैं इसमें ऐड कर दूंगी। पालक सारा हमने इसमें डाल दिया है, इसे हम सुखा लेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत लोग आलू पालक की सब्जी उतनी पसंद नहीं करते, बस एक बैंगन डाल के इस तरीके से आप बनाओ, बहुत ज़्यादा स्वाद लगेगा, नहीं खाने वाले भी बहुत पसंद से खाएंगे। बहुत टेस्टी होने वाली है आपकी ये सब्जी, आप बना के जरूर ट्राई करना। थोड़ी देर इसको भूनते हैं, पानी इसका सूख जाए। पालक का पानी हमारा सूखने लगा है, मसाले लगभग भून चुके हैं। डाल देते हैं इसमें अपना आलू और बैंगन जो हमने भून के रखा है। एक बैंगन डालने से आपकी सब्जी का स्वाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एक मिनट तक इसे भी भून लेते हैं। सब्जी हमारी लगभग भून चुकी है, डालेंगे इसमें पानी। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी पक जाता है और पालक भी हमारे लगभग पके हुए हैं। सिर्फ हमें आलू को पकाना है और सब्जी हमें सूखी बनानी है, तो बस हमें पानी इतना ही डालना है ताकि हमारा आलू अच्छी तरीके से पक जाए। हल्का पानी हम ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। पानी मैंने थोड़ा ही डाला है, इसे मैं ढक देती हूँ। जब इसमें ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा, जब ये बॉयल होने लगेगा तो मैं गैस की फ्लेम को सीम कर दूंगी। इससे कम पानी में भी हमारी सब्जी अच्छी तरीके से हमारा आलू पक जाएगा, तो इसे होने देते हैं। सब्जी बनते हमारी कुछ देर हो चुकी है, खोल के देखते हैं। वाह, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी। सब्जी बिल्कुल सूखी नहीं रखनी है क्योंकि बैंगन की सब्जी बिल्कुल सूखी नहीं रखते, थोड़ी सी हल्की हल्की गीली रहेगी, न ज़्यादा सूखी रहेगी न ग्रेवी वाली रहेगी, ग्रेवी नहीं रहेगी, बस लटपटी सी रहेगी। इसमें डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी फ्रेश धनिया, हरी धनिया की पत्ती।
टेस्टी सी सब्जी हमारी रेडी है, बहुत स्वाद लगती है यार, बना के जरूर ट्राई करना। चपाती के साथ खा सकते हो, राइस के साथ खा सकते हो, सबके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। सब्जी बनकर रेडी है, गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं। सब्जी बनके हमारी रेडी है, देख सकते हैं गर्मा गर्म ये कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत स्वाद लगेगी, आप बना के जरूर ट्राई करना। दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए और भी लेके आ सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।